हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग। आज है 6 अप्रैल और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमने कल डिसाइड करे थे आज डिस्कस करने के लिए और आज कौन से नए क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा, चलिए शुरू करते हैं। सीजीपीएससी में आने वाले कितने मार्कर क्वेश्चन के लिए कितने लाइन्स अलॉटेड होते हैं मेन्स पेपर में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। रोज ये स्लाइड डाली जाती है ताकि आप लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए किस प्रकार से आपको स्पेस और टाइम मैनेज करना है। आज के जो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। बहुत दिनों से देख रहा हूँ पेपर 3 पार्ट 1 और पेपर 3 पार्ट 3 के ही बातें चल रही हैं। पेपर 3 पार्ट 2 पॉलिटी एंड पबैट कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं आप लोग। तो आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है कि राइट अबाउट द टेंशन एरियाज इन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये बता दीजिए 10 नंबर में। व्हाट इज स्टेट वर्सेस बाजार डिबेट, ये बता दीजिए 8 नंबर पे। कल के क्वेश्चन देखते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं आज। पहला क्वेश्चन था व्हाई कांग्रेस एक्सेप्टेड पार्टीशन, 15 नंबर पे बता दीजिए। CGGS में बता दीजिए क्रिटिकली एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी इन नेशनल मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, ये है 15 नंबर। ये दोनों जो क्वेश्चन है जहाँ तक मैंने आपके आंसर कॉपीज देखे हैं, मोर और लेस आप सबने एक ही लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने कुछ जनरल पॉइंट्स हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो आपने छोड़ दिए हैं। तो मेरे हिसाब से जो जो चीज़ें आने चाहिए इस पर्टिकुलर आंसर में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत विभाजन को क्यों स्वीकारा, मेरे हिसाब से इसका आंसर बनना चाहिए पहला ये होना चाहिए कि लार्ज स्केल कम्युनल राइट से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया था। दूसरा, फेलियर ऑफ कांग्रेस टू इंस्टिल नेशनलिस्ट फीलिंग या नेशनलिज्म इन इंडियन मुस्लिम्स, ये दूसरा पॉइंट आना चाहिए। तीसरा आना चाहिए था कि जो कम्युनल पार्टीज है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू महासभा हो गई और उसके बाद मुस्लिम लीग हो गई, इन लोगों का जो राइज था पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में या फिर इनका जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने के कारण भी कहीं ना कहीं पार्टीशन की तरफ हम लोग गए। उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट का कोलैप्स हो गया था बिकॉज मुस्लिम लीग ने जो डायरेक्ट एक्शन डे, पाकिस्तान दिवस और डिवाइड एंड एग्जिट, डिवाइड एंड क्विट, इस प्रकार के जो पॉलिसीज लाई थी इसके कारण भी अफेक्ट हुआ। जो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम रुक गया क्योंकि उसको अगर आपको आगे कंटिन्यू करना था तो आपको मुस्लिम लीग का साथ चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लीग तभी साथ देगा जब उनको ले उनके लिए एक अलग पाकिस्तान बनेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पार्टीशन एक्सेप्ट करने का रीज़न रहा। उसके बाद जो मीडिएशन हो रही थी गांधी और जिन्ना के बीच में वो भी ब्रेकडाउन हो गई और कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई कि अब पार्टीशन होना इनएविटेबल है। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप सबने छोड़ दिया है वो ये है कि दो कांग्रेस इनविजेंड, कांग्रेस का सपना था कि एक अखंड भारत आज़ाद होगा, लेकिन फिर भी पार्टीशन के बाद भी इंडिया का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो कांग्रेस को मिल रहा था, तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एग्री किया पार्टीशन के लिए। तो ये बेसिक एलिमेंट्स है, कीवर्ड्स है जो होने चाहिए आपके आंसर में। पहला कम्युनल राइट्स, दूसरा फेलियर ऑफ कांग्रेस टू इंस्टॉल नेशनलिज्म इन इंडियन मुस्लिम्स, तीसरा कम्युनल पार्टीज का रोल, चौथा इंटरिम गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन, पाँचवा मुस्लिम लीग के बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे डायरेक्ट एक्शन डे, पाकिस्तान दिवस, डिवाइड एंड क्विट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर कंटिन्यू करना था तो मुस्लिम लीग का फेवर जरूरी हो गया था, गांधी चिन्ना के टॉक्स जो है उनका फेल हो जाना, और लास्ट में भले ही अनडिवाइडेड इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा था फिर भी एक लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वॉज बींग गिवन टू द कांग्रेस, देयरफॉर बिकॉज ऑफ द अबव रीजंस कांग्रेस एक्सेप्टेड पार्टीशन, ये हम लोग को इंक्लूड करना था। अब देखते क्या क्या आंसर है। ये आंसर लिखा है स्वाति ठाकुर जी ने, अंग्रेजों एवं लीग की नीतियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य किया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया। ओके ठीक है, इंट्रो के लिए मुख्य कारण निम्न है, कांग्रेस की असफलता, मुस्लिम जनता का विश्वास, दिस इज अ गुड पॉइंट। दूसरा इसमें आता है सांप्रदायिकता को बढ़ावा, ठीक है, धार्मिक भावनाएँ, धार्मिक चिन्ह नार, ठीक है, राम गणेश, कुल मिला के ये इसी पॉइंट पर जाता है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट की बात की है उन्होंने, माउंटबेटन प्लान का इन्होंने करा है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में दूसरा विकल्प ना होने का विभाजन स्वीकार किया गया, ठीक है, गांधी जी ने सदैव विभाजन का विरोध किया एवं कहा कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, निष्कर्षता कांग्रेस एवं गांधी जी ने विभाजन को टालने के अनेक गंभीर प्रयास किए लेकिन ब्रिटिश की फूट डालो राज्य करो नीति एवं जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण अंततः भारत का विभाजन हुआ। अब इसमें मैं आपको कुछ टिप देना चाहता हूँ कि जिन्ना का ये द्विराष्ट्र सिद्धांत है ना, इसको यहाँ पर हमें कीवर्ड बना के लिख सकते थे, उसके बाद ये ब्रिटिश की फूट करो राज्य करो वाली नीति यहाँ पे लिख सकते थे, तो आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं, इनको कंक्लूजन में ना देती हूँ, आपको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए था। तो अब देखते हैं मैंने कौन से पॉइंट आपको यूनिक बताए हैं। मैंने यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे लार्ज पार्ट ऑफ द कांग्रेस वाला बताया है, यहाँ सांप्रदायिकता में हिंसा आपने लिखी है क्या, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा तो नहीं है।
हिंसा के बारे में आपने नहीं लिखी है, ठीक है, तो यहाँ पे हिंसा अलग पॉइंट है, इसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा। उसके बाद ये कम्युनल पार्टीज का रोल भी आप लिख सकते हैं, और ठीक है इतना तो ऑलमोस्ट ओके है, बाकी तो आपने सब कवर कर लिया है, मोर और लेस अच्छा आंसर है। और यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगा, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग 8.5 दूंगा मैं आपको 15 में, ठीक है, तो ये मैं आपको दे सकता हूँ। कम्युनल राइट्स इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वॉज बींग गिवन टू कांग्रेस, ये इंक्लूड कर लीजिएगा, और कम्युनल पार्टीज का जो रोल है आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के प्रभाव का सूक्ष्मतम निरीक्षण कीजिए, ठीक है, कुल मिला के इसको हम लोग एनालाइज करना है। मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसमें नेशनल मूवमेंट की क्रोनोलॉजी लिख दी है कि भाई ये इस साल में ये हुआ, फिर इस साल में ये हुआ, फिर इस साल में ये हुआ। इससे एक बेटर अप्रोच जो मेरे हिसाब से हो सकता है ये है कि गांधी के आइडियोलॉजी से जो जो चीज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट में रिफ्लेक्ट हुई उनको आपको लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सत्याग्रह, हमने जंगल सत्याग्रह किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, कंडेल नहर सत्याग्रह किया, उसका नॉन वायलेंस, भले जितने अगर कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को छोड़ दिया जाए तो जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए छत्तीसगढ़ में मोस्टली नॉन वायलेंट तरीके से हुए। तीसरा खादी बता सकते हैं, खादी के लिए 460 चरखे बांटे गए, खादी उत्पादन केंद्र, स्वदेशी स्टोर्स, इस प्रकार के भारत भंडारण के, इस प्रकार कुछ कुछ चीज़ें जो 1920 में खोले गए थे उनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दलित अपलिफ्टमेंट के लिए हमने क्या क्या किया, जनेव का कार्यक्रम किया, मंदिर प्रवेश में जो कार्यक्रम किया, जब गांधी जी को पता चला कि ये सब काम हुआ है तो उन्होंने सुंदरलाल शर्मा को अपने गुरु की उपाधि दी, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल आंसर्स जो आपने लिखा है, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, उसके बाद नमक सत्याग्रह, ये जो चीज़ है नमक कानून को तोड़ना, ये भी बता सकते हैं। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या चीज़ हुई, शॉर्ट्स में बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो अच्छा पार्ट है ये लिटरेचर, ठीक है, जो उस टाइम के जो मूवमेंट के दौरान जो लिटरेचर लिखे जा रहे थे लोगों को नेशनलिज्म या फिर लोगों की जन भावना, ये राष्ट्रवाद की जो भावना उत्पन्न करने के लिए, उसमें गांधी मीमांसा को आप मेंशन कर सकते हैं कि उससे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने गांधी मीमांसा लिखी। उसके बाद छत्तीसगढ़ की नारी में जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी के द्वारा हुआ था, क्योंकि जब ये धमतरी गई थी तो मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ, या फिर आनंद समाज वाचनालय में कुछ 2000 रुपये के आसपास इन्होंने अपनी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करके दिया था गांधी जी को, तो इसको लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पॉपुलर लीडर्स थे, ठीक है, जैसे सुंदरलाल शर्मा, बस्तर में मनकूराम सोढ़ी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे गांधी के आइडियोलॉजी से, एंड इन्हीं के पदचिन्हों पे इन्होंने नेशनल मूवमेंट कंडक्ट किया छत्तीसगढ़ में, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर बनाना चाहिए था। अब यहाँ पे वही है कि मोर और लेस यहाँ पे नेशनल मूवमेंट ही बताया इन्होंने, कंडेल नहर सत्याग्रह बता दिया, ठीक है, महिलाओं को संबोधन बता दिया है, हरिजनोत्थान बता दिया, धमतरी प्रवास, असहयोग आंदोलन, संविधान वैज्ञान आंदोलन पुस्तक, तो ये भी एक अच्छा आंसर है। इसका थोड़ा सा बेटर ये हो सकता है कि आप ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर लेते, खादी वाला पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं आप, और उसके बाद आपने लीडर वाला पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं, और ये वुमेन वाला नेशनलिज्म जो आपने लिखा है मेरे ख्याल से महिलाओं का संबोधन, इसको थोड़ा सा और मोल्ड करके आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये 10-11 डायमेंशन आप खोल देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ आपके आंसर से, ये इक्वली गुड आंसर है, तो उसको मैं 10 नंबर दूंगा 15 में, ठीक है। जो इस आंसर को पढ़ना चाहते हैं स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं 2-2 सेकंड रोक देता हूँ। ओके, चलिए आज के क्वेश्चन डिस्कस हो गए, आगे देखते हैं। अगर आप CGPSC मेंस के सेक्शन वाइज 1-1 घंटे के मेरे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्टडी आई की एजुकेशन में देख लीजिए, बट जस्ट सर्च मारिए नीर निधि नंदेहा, तो ये 25 वीडियो का जो लेक्चर वो आपको दिख जाएगा, डिटेल स्ट्रैटेजी आप इसमें देख सकते हैं। अभी हम लोग थोड़े से एडवांस्ड स्टेज पे डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आंसर राइटिंग के पहले जो प्रोसीजर होता है, प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है, पास्टर क्वेश्चन का एनालिसिस का जो प्रोसेस होता है, नोट मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, वो आप इन वीडियो से चेकआउट कर सकते हैं। अगर पेपर 3 से रिलेटेड कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन जो आ चुके हैं CGPSC में पहले, उनको आप डिस्कस करना चाहते हैं, उनके मॉडल आंसर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे लिखता हूं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में ज़्यादा कमेंट आए नहीं थे, इसलिए पेपर 3 के पार्ट 2 से मैंने क्वेश्चंस उठाए, तो ऐसा करिए आज आप पेपर 3 पार्ट 2 पॉलिटी और पबैड, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है तो इसमें क्वेश्चंस डालिए, वरना मैं खुद से डालूंगा। कमेंट करने की कोशिश करिएगा। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल CGPSC बाय नीर, सर्च कर सकते हैं। इस QR कोड को आप डायरेक्ट स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुँच सकते हैं।
सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिडल ऑफ द वीक है, मोटिवेशन थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, पुश करिए अपने आप को, पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते रहिए। इसी बात के साथ इजाजत लेंगे आपसे, जय हिंद।